नवागंतुक पुलिस अधीक्षक ने संभाला कार्यभार, हुए मीडिया से मुखातिब। बता दें आपको कि शासन स्तर पर कन्नौज पुलिस अधीक्षक का तबादला गैर जनपद में किया गया। वहीं नए पुलिस कप्तान के रूप में आए हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा चार्ज संभालने के बाद एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नवागंतुक पुलिस अधीक्षक ने सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। वहीं वरिष्ठ पत्रकार द्वारा पत्रकारों की तरफ से पुष्पगुच्छ भेंट कर नवागंतुक पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। बताते चलें कि शासन स्तर पर कन्नौज के एसपी प्रशांत वर्मा का तबादला गैर जनपद किया गया। वहीं कन्नौज में नए एसपी के रूप में आए राजीव श्रीवास्तव के द्वारा चार्ज संभाला गया। पहले दिन उन्होंने एसपी कार्यालय में मौजूद विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया, जहां पर मौजूद कर्मियों से कार्यों को लेकर जानकारी की। इसके साथ ही कन्नौज के पुलिस अधीक्षक सभागार में एसपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मी शामिल हुए, जिनसे बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर सुझाव भी मांगे गए। कन्नौज में नए एसपी बनकर आए राजेश श्रीवास्तव ने सभी की समस्याओं को हल करने के शत प्रतिशत प्रयास करने की बात कही और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद जन समस्याओं को भी सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद कन्नौज के वरिष्ठ पत्रकार रघुवीर राजपूत द्वारा सभी पत्रकारों की तरफ से नवागंतुक पुलिस अधीक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट, R9 भारत। कन्नौज में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या रहेगी? अपना प्रभार ग्रहण किया है। इसमें शासन द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है, इसमें हर जनता की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुनवाई करते हुए उनका समय पर निस्तारण किया जाना और अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई करना, जिससे कि हर व्यक्ति, हर नागरिक भयमुक्त वातावरण में अपने, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, जिस भी क्षेत्र में अपना व्यापार कर रहा हो, जिस भी क्षेत्र में अपना सेवा दे रहा हो, वो भयमुक्त होकर अपने सेवा, उसका परिवार, समाज अपना सेवा कर सके। हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी और हर नागरिक, चाहे वो किसी भी पटन का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर कहीं कोई उसे कहीं असुविधा होती है, तत्काल उसे अपनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कम से कम समय में हमारी पुलिस वहाँ पर पहुँचेगी और उसका समर्पण निष्पादन करते हुए दोषियों को यदि वैधानिक कार्रवाई की जाए। देवरिया जनपद के अंतर्गत आदर्श ग्राम पंचायत प्यासी ग्राम प्रधान अमरनाथ मिश्र उर्फ बुन्ना बाबा से विकास कार्य योजना के बारे में बात किया और उन्होंने बताया कि 14 महीने के कार्यों का विवरण पंचायत सचिवालय, सामुदायिक शौचालय, इंटरलॉकिंग सामुदायिक शौचालय, सरकारी हॉस्पिटल की बाउंड्री, शमशान घाट की साफ सफाई व मनरेगा के द्वारा ग्राम सभा में नाली का काम किया, जिसमें उपस्थित रहे कार्यकर्ता सविता साहनी, रीता साहनी, कौशल्या रुकमणी, शांति रंगीला साहनी, छविराम, अर्जुन रामचंद्र, नकुल साहनी, राजवंशी मनरेगा वर्कर उपस्थित रहे। देवनिया से रमन तिवारी की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? ये आदर्श ग्राम पंचायत प्यासी, जहाँ के आप प्रधान हैं और आप अपने इन कार्यों का विवरण थोड़ा सा बताइएगा। सुनने में आता है कि आप
14 महीने में पूरे देवरिया जनपद में सबसे अधिक कार्य किए हैं प्रधान जी। अच्छा है सर, इसके पूर्व प्रधान जो भी थे 2-10 साल हमारे यहाँ गांव से जनता से पूछ लिया जाए, हमको लग रहा है कि गांव के विकास में कोई योगदान 10 सालों में नहीं हुआ है। और जब से मैं आया हूँ तब से मैं पंचायत भवन बनाया, सामुदायिक शौचालय बनवाया, पूरे गाँव में रोड पर लाइट लगवाया, हॉस्पिटल का बाउंड्री लगवाया, दो दो रास्ता मैं प्रमुख से लेकर के बनवाया, एक विधायक जी माननीय विधायक कमलेश शुक्ला जी दिए थे, RCC रोड उनसे बनवाया, 2 RCC मैं अपने पास से बनवाया हूँ प्रधान के कोटे से, 3 इंटरलॉकिंग रास्ता बनवाया हूँ, 2500 मिट्टी का रास्ता बनवाया हूँ, पूरे गांव में लाइट लगवाया हूँ और यह काम हमारा चल रहा है। मैं चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा था कि हमारे गाँव में जमीन भर्ती बहुत ज़्यादा है, आबादी की जमीन ज़्यादा है और उसको लोग कब्जा किए हैं। मैं शुरू में चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा कि मैं जब निकलूंगा तो नवीन प्रति जितना है उसको निकलवा दूंगा, लेकिन शासन प्रक्रिया के तहत मैं बार बार लेखपाल से कह रहा हूँ, लेखपाल आ भी रहे हैं, नाप रहे हैं, इतनी ज़्यादा ज़मीनें हमारे यहाँ फंसी हुई है, स्कूल का 10 कट्ठा ज़मीन एक यादव परिवार है जो ज़बरदस्ती कब्जा करके 40 बरस से दूध खा रहा है, मैं उनको नपवाया हूँ, लेकिन उसके ऊपर दबाव हमारे ऊपर बन रहा है कि ज़मीन को छोड़ दिया जाए, जो कि वहाँ बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई मैदान नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि उस ज़मीन को कब्जा करके प्रशासन द्वारा और वहाँ बच्चों का खेल कूद मैदान बने। हमारे यहाँ खलिहान है उसको भी लोग कब्जा कर लिए हैं, उस खलिहान को मैं चाह रहा हूँ कि उसको साफ सफाई